नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक कढ़ी की रेसिपी बनाना बताऊंगी। आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 अंडे, कच्चे अंडे हैं, और 4 लिया है हमने बॉयल अंडे। बॉयल अंडे को हम काट लेंगे 4 टुकड़ा करके, और अंडे की मात्रा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। तो इस तरीके से मैं अंडे को काट लूँगी। बॉयल अंडे को मैंने काट लिया है, और जो 3 अंडे था उसे मैंने तोड़ लिया है। इसमें डालेंगे नमक और अच्छे से अंडे को फेंट लेंगे। अब हम कढ़ाई में ले लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को पहले हम अच्छे से गरम करेंगे। तेल जब हमारा गरम हो जाए, हम जो अंडे को फेंट के रखे थे डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम में हम 1-1.5 मिनट अंडे को फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम स्पैचुला से चलाते रहेंगे। 1 मिनट में हमारा स्क्रम्बल एग बनके तैयार है। हम हल्का स्पैचुला से इस तरीके से इसे तोड़ देंगे। ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा मोटे रखेंगे। तो एग हमारा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। निकाल लेंगे एक प्लेट में। पैन में हम फिर से ले लेंगे 3 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए, डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे अच्छे से फ्राई हो जाए, डालेंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे चॉप करके। प्याज को हम 3-4 मिनट हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। प्याज जब अच्छे से हमारा फ्राई हो जाए, हम यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। गैस का फ्लेम हाई करके हम 3-4 मिनट अच्छे से भूनेंगे। 3-4 मिनट मैंने टमाटर पेस्ट डालने के बाद अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले। 1/2 चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे हम 1.5 चम्मच। तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। मसाले अच्छे से भून गए, आप देख सकते हैं साइड से तेल अलग दिख रहे हैं, और पूरी तरीके से मसाले हमारा ड्राई हो गया है। अब हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। मैं 1 चम्मच डाली हूँ, आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। और डालेंगे थोड़ा सा मटर के दाने। एक बार अच्छे से मिक्स करके हम डालेंगे यहाँ पे जो बॉईल करके अंडे रखे थे उसे। बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे पानी,
और मसाले के साथ अंडे को हम कुछ देर मिक्स करते हुए भूनेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा हमने यहाँ पे डाला है पानी। मसाले के साथ मैंने एक मिनट अंडे डालने के बाद भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे फ्राई किए हुए अंडे, एक बार मिक्स करेंगे और डालेंगे यहाँ पे एक कप पानी। इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम डालेंगे यहाँ पे पानी। तो करीब एक कप हम डालेंगे। एक बार मिक्स करेंगे, डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। एक बार मिक्स करके गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे करके ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट हम ढक के पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। 3-4 मिनट बाद थोड़ा सा ऊपर से और डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो यहाँ पे गरम मसाले डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में 1 मिनट कढ़ी को और ड्राई कर लेंगे हम। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। एक मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी अगर आप ट्राई करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।